ले ले ले, फोन कर फोन कर फोन कर। अरे उसमें है नंबर, अबे कहा सब नंबर लगाने बैठे तो। ले ले चल लगा दिया। से बात करने मामा, मैं मजे में हूँ, मैं एक जरूरी काम है। तो मैं जरा बताओ ना कि अभी हाथ में से लोटा कैसे निकलेगा? अरे अभी एक घंटे के बाद मीटिंग में पहुंचना है तो अहमदाबाद जाने की क्या बात कर रहा है? हेलो माँ, मैं सॉरी हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। हाँ, लोटा निकलने के बाद फोन करती हूँ। हाँ चल बाद में, भाई तो कहने दीजिए। भाई है अभी छोड़ने। तो आप क्या करें? अरे अभी माँ के साथ फोन चालू था तभी बात कर लेनी चाहिए थी ना टप्पू के पापा। क्या बोल रही है तू? अरे आपने तभी माँ के साथ बात करनी होती ना तो अभी आपको माँ को फोन नहीं करना पड़ता। अरे मैं उनको फोन नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सबको लगा रहा हूँ। गुड आइडिया, कहाँ पता है मुझे। जेठाल, हाँ बोलो जेठालाल। मैं तो सब अभी कभी आप मेरे घर पे आ जाइए, अभी कभी प्लीज। अरे नहीं आ सकता जेठालाल, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, इतना काम है ऑफिस में, इसलिए आज मैं जल्दी ऑफिस आ गया। मैं तो सब, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, प्लीज आइए ना। अरे जेठालाल, इस वक्त मैं यहाँ फाइलों के बीच में फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बट बाय द वे, तुम फंसे कहाँ हो? लोटे में। क्या लोटे में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जेठालाल, तुम्हारी इतनी बड़ी काया एक लोटे में कैसे समा सकती है? अरे भाई मेरा हाथ लोटे में फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश की। आप आइए और कुछ रास्ता बताइए प्लीज। अच्छा एक काम करो, तुम अगले हफ्ते भर तक मेरे घर पे खाना खाना शुरू कर दो। हफ्ते भर तक अंजलि के हाथों का खाना खाओगे ना, वो डाइट फूड, तो दुबले हो जाओगे, अपने आप हाथ निकल आएगा लोटे से। मेहता साहब, एक हफ्ते का टाइम नहीं है मेरे पास, अभी एक घंटे के बाद मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है और मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी कभी लोटा मेरे हाथ से निकलना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम कुछ जुगाड़ करो, जुगाड़ करके लोटे में से अपना हाथ निकालो, तब तक मैं भी इन फाइलों से निकलता हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाए, मेरा काम हो जाए, फिर मैं फोन करता हूँ, ठीक है? नहीं आ सकते, बहुत बिजी है। ओ यार, अब ये लोटा निकालेंगे कैसे? सेठ जी, आपका हाथ लोटे में से सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है। अय्यर भाई, चलिए उनके घर चलते हैं। लोटे वाला हाथ लेकर बबीता जी के सामने गया तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। बबीता जी क्या सोचेंगे, कितना मूर्ख लगूंगा मैं उनके सामने। हाँ सेठ जी, नट्टू काका की बात एकदम सही है, हमें अभी के अभी अय्यर भाई के घर चलना चाहिए। अरे इसमें अय्यर भाई क्या करेंगे? नहीं नहीं पापा, नट्टू काका सही कह रहे, अय्यर अंकल साइंटिस्ट है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। अय्यर भाई के पास लोटा निकालने की कोई ना कोई वैज्ञानिक पद्धति तो होगी। यस, नहीं नहीं नहीं, अय्यर भाई के घर नहीं जाना। अरे पर क्यों टप्पू के पापा? अरे सुबह सुबह वो भी बेचारे ऑफिस जाने की तैयारी में पड़े होंगे, बबीता जी भी बिजी होंगे, ऐसे में ऐसा लोटे वाला हाथ लेके हम उनके घर पे जाएंगे, अच्छा लगेगा? अरे टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, हमारी सोसाइटी में तो सब लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो एक काम करते हैं, अय्यर भाई को यहाँ बुलाते हैं। उसमें बहुत टाइम जाएगा। अरे क्या टाइम जाएगा, या पास में ही रहते हैं, अभी फोन करेंगे तो आ जाएंगे। नहीं नहीं, आ जाएंगे बराबर है। तो क्या है सेठ जी, आप अय्यर भाई को फोन करेंगे, वो अपने घर से यहाँ आएंगे, फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर अपने घर जाएंगे, रसायन लेके फिर यहाँ आएंगे, तो आने जाने में टाइम नहीं जाएगा। सेठ जी बगल राइट, हम उनके घर ही चलते हैं। अरे छोड़ी तुम यहाँ, अच्छा हुआ तुम भी यही मिल गए। अरे नट्टू काका बागा, आप लोग यहाँ कैसे हो बागा? बस मजे में। और कैसी है मिसेस बागा?
पावरी रे। अच्छा मजे में। और लड्डू काका तबियत पानी मजे में? अरे नवरा नाथा लाल काय हाय काय तुम्हाला आज एकदम फ्री आहे काय काम धंधा नाही तुम्हाला आज? अरे नहीं नहीं ऐसा कसा काम से ही तो आया हूँ। जेठालाल मुझे तुम्हारी इस पेपर पे साइन चाहिए। और सोड़ी जेठालाल का साइन होने के बाद तुम साइन करना। हाँ सेठ जी के बाद तो भिड़े भाई सोड़ी भाई कभी भी साइन नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है तू? कभी भी साइन नहीं कर पाएंगे का क्या मतलब है? मतलब क्या यही लोटा कभी नहीं निकलने वाला है? जेठालाल ये क्या है, हाथ में लोटा क्यों डाला हुआ है? नहीं नहीं भिड़े भाई, हाथ में लोटा नहीं लोटे में हाथ डाला है। अरे तेज तेरे बागा जेठालाल। चलो अब ये लोटा निकालो और जल्दी से इस पेपर पे साइन करके ये पेपर मुझे लौटा दो। जेठालाल नीचे का देख रहे हो भाई? चलो अभी मजाक छोड़ो साइन कर दो भाई जल्दी। जेठा प्राम मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच में उनके हाथ में लोटा फंस गया। अच्छा? कब से हम लोग खींचा तानी करके इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भी बहुत टीट है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसीलिए हम लोटा निकलवाने के लिए अय्यर भाई के घर जा रहे हैं। अय्यर के घर पे लोटा निकालने? वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वहां से तो खाली हाथ लौटोगे आप। अरे दया भाभी मेरा मतलब है वो साइंटिस्ट है, वो क्या करेगा? वही तो अय्यर भाई ने लिखा है, तो हमारे वडील नट्टू काका ने ऐसा सोचा कि शायद अय्यर भाई के पास ऐसा कोई रसायन हो जो टप्पू के पापा के हाथ पर ऐसा कहीं पर ऐसे लगा दे तो लोटे में से हाथ ऐसे निकल जाएगा। अच्छा लेकिन दया भाभी ये लोटा हाथ में फंसा कैसे? बताती हूँ, देखिए टप्पू यहाँ पर खड़ा था और हमारे दुकान के गले की चाबी यहाँ पर थी। अच्छा। दिख रही है चाबी? हाँ ठीक है ठीक। नहीं नहीं देखिए ना, देखिए यहाँ पर चाबी थी बराबर, और उस वक्त टप्पू के पापा यहाँ पर मौजूद थे। अरे भाई वो सब विस्तार सब बताना छोड़, मैं समझा तो भाई गल्ले की चाबी है लोटे के अंदर है, वो मैं निकालने गया उसमें मेरा हाथ लोटे में फंस गया बस। जेठालाल तुम भी कमाल करते हो भाई, लोटे में से चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डालने की क्या जरूरत थी, लोटा ऐसा उल्टा करते। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार चाबी अपने आप नीचे आ जाती। बिड़ू ओ जेठा प्राणू मैं भी यही दस्या सी, ओ जेठा प्राणे मैनु ए दस्या वो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा लेकिन सोड़ी नेक्स्ट टाइम ना, अभी का क्या? मेरे पास ये म्यूनिसिपैलिटी की अर्जी है जिसमें सोसाइटी के सभी ओनर्स के सिग्नेचर चाहिए थे, बाकी सबने तो कर दिए, सिर्फ तुम दोनों के ही बाकी थे। ओले आप पिड़ो उन्हें मैं साइन कर देना, तू भी ना यार ए ऐसे लिखा ना तो साइन कर दी, लेकिन जेठालाल तुम्हारे सिग्नेचर का क्या, तुम कैसे साइन करोगे? अरे भाई मैं बाद में कर दूंगा, अभी छोड़ने लेट हो रहा है, चलो भाई चलो। जेठालाल मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाना है, साइन तो करना पड़ेगा ना भाई। अरे हां नहीं ना मैं साइन कर देती हूं। नहीं नहीं दया भाभी एक्चुअली घर जिसके नाम पे है ना उसी का सिग्नेचर चलेगा, आपका नहीं चलेगा। अरे भाई तो प्यास लगने पर कुआं खोदना क्यों निकला है, पहले साइन नहीं ले सकता था? भले जेठालाल मुझे क्या सपना आया था कि तुम अपना हाथ लोटे में फंसा लोगे। भाई तो क्या कहना क्या चाह रहा है, ये पेपर पे साइन नहीं करने के लिए मैंने जानबूझ के अपना हाथ ये लोटे में फंसाया है। नहीं नहीं जेठालाल मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के लोटा हाथ में नहीं फंसाया, लेकिन तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो, मैं भी तो सोसाइटी का ही काम कर रहा हूँ ना, साइन तो करना पड़ेगा ना। अरे लेकिन कैसे करूं साइन? साइन तो नहीं, शांत नहीं हो सकता, मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है जरूरी। काम डाउन सेठ जी, यूज योर लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से साइन कर दीजिए। नहीं नहीं नट्टू काका, बाएं हाथ से साइन करना एक दाएं हाथ वाले के लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है। भाई आप तो शिक्षक है, गणित विज्ञान के बड़े बड़े सवालों को ऐसे चुटकियों में हल करना सिखाते हैं, तो अगर आपको साइन चाहिए तो ये मुश्किल का हल निकाल के साइन करवा दीजिए ना।
अरे भाई तू क्या पूछ रही है इसको, ये इसके कोर्स के बाहर का सवाल है, इसको नहीं जमेगा, छोड़ ना। जमेगा जेठालाल, बिल्कुल जमेगा, मेरे पास उपाय है। मिल गया उपाय, मिल गया, बोलो श्रीम पे। एक मिनट, लेकिन क्या उपाय, क्या भाई वो तो बता। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन लोटा, व्हाट द हेल आर यू सेइंग बेटे भाई? नहीं, लोटा मोशन नहीं नटू काका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम के अनुसार एक्शन और रिएक्शन परस्पर विरुद्ध दिशा में होते हैं, अर्थात टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पार्डन मी प्लीज, प्लीज कैन यू रिपीट दिस लाइन, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन व्हेन यू ट्राई टू अलाइट। अरे भाई तू सीधी साधी भाषा में समझे ना, क्या क्या उपाय है तेरे पास? मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्यों बोलूंगा? नहीं करके बताऊंगा मैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी, तुम्हारे हाथ से लोटा निकाल के रहूंगा। लोटा निकल जाएगा, लोटा निकल जाएगा, बोलो सीएम पे बात करनी। जय जय। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है? अरे स्कूटर में कहाँ जाना है? कहीं जाना नहीं है जेठालाल। तो एक मिनट शांति रखो ना भाई, सब बताता हूँ। अरे भाई सामने नहीं रख सकता, मेरा मीटिंग है भाई। हाँ भिड़े भाई बहुत लेट हो रहा है। हाँ दो मिनट, दो मिनट। ये क्या कर रहा है तू रस्सी? सेठ जी पेशेंस मैन एट वर्क। एक मिनट आप शांति रखो, क्या कर रहे हैं? एक मिनट। ये अभी रस्सी स्कूटर में बांध रहा है भाई, तो क्या करना क्या चाह रहा है? हो गया जेठालाल, हो गया। अरे भाई बोल तो सही। देखो अभी मैं क्या करूंगा, स्कूटर शुरू करूंगा और मैं उस तरफ झटके से लेके जाऊंगा। सोड़ी उसी वक्त तुम जेठालाल को कस के पकड़ना और उस तरफ खींचना। अबे मतलब क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन परस्पर विरुद्ध दिशा में होंगे। नटू काका मैंने बोला था ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझ गए आप? यस यस, आफ्टर दिस प्रैक्टिकल डेमो आई गॉट इट। हां ओके। ए बंद करो या गॉट पिट। ये भाई मुझे कोई झटका झटके नहीं करनी है, तेरे झटके में मेरा हाथ लटक जाएगा। सेठ जी प्लीज बी ब्रेव। तो काका सेठ जी ब्रेव ही है, लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ा रिस्की है? हाँ बहुत रिस्की है सेठ जी, बागा नो गेन विदाउट पेन। मतलब सेठ जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अरे क्या बोल रहे हैं आप, आपका दिमाग ठिकाने पे? ये लोटे की वजह से मैं अपना हाथ खो दूं? नो नो नॉट पूरा हाथ, ओनली लोटा। एक मिनट भिड़े भाई, सब बराबर होगा ना? आपको पक्का यकीन है ना कि टप्पू के पापा के हाथ को कुछ नहीं होगा? है भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा जेठालाल। हंस चलो, कुछ नहीं होगा। अरे क्या हंस चलो, एक मिनट भाई तू इतना यकीन से कैसे कर सकता है? तूने इसके पहले ऐसा कुछ किया है? नहीं। तो फिर जेठालाल तुम कितने सवाल करो, तुम्हें जाने के लिए लेट हो रहा है ना। छोड़ी तुम तैयार हो ना? ओए एकदम तैयार, तुझे फिकर ना करो, जेठा ब्रा को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। करेक्ट। छोड़ी ये लोटा निकल जाने के बाद तो मुझे आगे बढ़ने देना भाई, मेरी मीटिंग है। और लोटा निकल जाएगा फिर तो मैं आपको जाने ही दूंगा ना। कहते हैं ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, कह रहे नाके पर तो जाना है मुझे, हेलमेट क्यों पहनना है? लेकिन उसी वक्त प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अरे आता घाला हेलमेट आने चला। अरे भाई संभाल के, मैं रेडी हूँ, संभाल के मेरा हाथ संभालना जरा। थोड़ा सा पहले आगे लेता हूँ, थोड़ा सा। चलो 1 2 3।
मैंने बोला था ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखा बिल्कुल निकल गया लोटा। क्यों जेठालाल, थैंक यू। अरे नहीं निकला लोटा, अभी तक इधर ही हो, रस्सी बांधी थी और रस्सी निकल गई। अरे हाँ दया, बाल बाल बच गया मेरा हाथ दया। अच्छा वो रस्सी निकल गई वरना मेरा हाथ निकल जाता। ओ, इसलिए तो छोड़ दिया मैंने। हाँ तो सेठ जी फिर से ट्राई करें। कुछ फिर से ट्राई नहीं करना ये। अरे भाई आइडिया बेकार, ये काम नहीं करेगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं सेठ जी, हम अय्यर भाई के घर ही चलते हैं। सॉरी हाँ भिड़े भाई। जेठालाल वो जो म्यूनिसिपैलिटी का एप्लीकेशन है उस पर तुम्हारी साइन चाहिए भाई। अरे कैसे करूं साइन? अरे भाई भेड़े, बाकी सबका साइन तो है ना, सिर्फ मेरा साइन नहीं है। तो जाने हो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जा, ऑफिसर को समझा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, फिर भी अगर ना माने तो ये लोटा निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं और तू हम दोनों ऑफिस में जाके उसके सामने साइन कर देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुमने जो बोला ना जेठालाल, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन में लिखकर तुम दे दो। अरे इधर साइन नहीं कर सकता, एप्लीकेशन कैसे लिखूं? सॉरी सॉरी विसर लो, सॉरी। कोई बात नहीं जेठालाल, मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा। और दया भाभी आप फॉर जेठालाल के लिए साइन कर देना, है ना? साइन तो मैं पहले भी करने के लिए तैयार थी, घर में मैंने वही बोले थे भैया भाई। नहीं नहीं, आपने जो बोला था वो उस पर साइन करने के लिए बोला था, और मैं जो बोल रहा हूँ वो एप्लीकेशन। अरे भाई तो लिखना, चलो चलो अभी, चलो 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 चलो, हाथ में इतनी लगी हुई है। अरे जेठालाल, दया भाभी, थोड़ी नटुक का भाग, इस टाइम पर तुम यहाँ पे? अय्यर भाई एक दो मिनट बाहर आइए ना। क्यों? सुबह सुबह बबीता जी बिजी होंगे अपने घर में, हम सब पूरा धाड़ा ऐसे अंदर जाएंगे तो बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे हाय, अरे आप सब लोग आइए ना, अंदर आइए। हेलो, बबीता जी खुद ही कह रहे हैं अंदर आने के लिए। चलो चलो जेठा भाई, फटाफट चलो। क्या हुआ जेठा दा, एनी प्रॉब्लम? हाँ वो अय्यर भाई, बेचारे टप्पू के पापा के हाथ में लोटा फंस गया है। लोटा? ए देखो जी, अयो अम्मा, ओ माय गॉड, जेठा जी ये कैसे हुआ? मैं बताऊं? वो हुआ यूं कि वो जेठालाल, तुम भी कमाल कर रहे हो, चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ क्यों डाला? अरे लोटे को ऐसा उल्टा करते तो चाबी ऑटोमेटिक बाहर निकल आता। सॉरी गलती हो गई, अभी दोबारा ध्यान रखूंगा। अय्यर भाई हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप एक साइंटिस्ट हैं, प्लीज आप कोई ऐसा साइंटिफिक सॉल्यूशन बताइए जिससे हमारे सेठ जी का हाथ अलग हो जाए। लोटे से अलग हो जाए? अय्यर भाई प्लीज जरा देखिए ना। लोटे में से हाथ निकालने का साइंटिफिक सॉल्यूशन। मित्रों आप जानते हैं कि मेरे परम मित्र जेठालाल और हमारे वैज्ञानिक अय्यर के बीच में मीठी नोक झोंक चलती रहती है, और इस नोक झोंक का नमूना अब आप देखने वाले हैं जब अपना लोटे में फंसा हाथ या हाथ में फंसा लोटा कुछ भी कह लीजिए लेके जाएंगे जेठालाल अय्यर के पास, और देखना यह भी है कि विज्ञान के सहारे ये लोटा कैसे बाहर निकलता है। भाई वो लोटा जो चोरी की शक्ति से नहीं निकला, वो लोटा जो स्कूटर के झटके से नहीं निकला, अब देखते हैं अय्यर की वैज्ञानिक बुद्धि इस लोटे को कैसे बाहर निकालती है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।